अलग देशों में तारीखें भले ही एक हो लेकिन उद्देश्य मात्र एक है कि हम हमारे आने वाली नौनिहाल पीढ़ी का, भावी पीढ़ी का जो देश की विरासत है, जो देश का भविष्य है, सही रूप में उसे आगे ले जा सके, उसे संस्कारित कर सके, उसे पोषित कर सके, क्योंकि अच्छे विचारों का पोषण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यदि कम उम्र में कोई काम करने लगे तो उसका जो भविष्य है, देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, वह अंधकार युक्त हो जाता है। एक छोटी सी कविता के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मेरी लिखी हुई है, आप लोग ताली जरूर बजाएंगे। पहले नहीं बजाना था, सुनने के बाद बजाना था। हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों के शब्दों को मैंने कविता में ढालने का प्रयास किया है। वो दोस्तों के साथ मस्ती, वो क्लासरूम का एहसास, वो दोस्तों के साथ मस्ती, वो क्लासरूम का एहसास, वो लंच से पहले ही टिफिन का स्वाद। जियो जी भर कर इसे, फिर ना आएंगे दिन चले जाने के बाद। जियो जी भर कर इसे, फिर ना आएंगे दिन चले जाने के बाद। मैथ्स के पीरियड में घबराना, मैथ्स के पीरियड में घबराना और बार बार सोचना सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन क्या कर रहा था, और यदि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा ही ना होता तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का झगड़ा ही ना होता। जियोग्राफी में धरती गोल ही क्यों होती है, जियोग्राफी में धरती गोल ही क्यों होती है, आखिर बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में सेल की डेफिनेशन कैसे बदल जाती है। सारे संसार का टेंशन एसएसटी दे जाती है, एसएसटी के टीचर मुझे क्षमा करें, सारे संसार का टेंशन एसएसटी दे जाती है और सुनकर शहीदों की गाथा कभी कभी आंखें नम हो जाती है। कैसे इंग्लिश के पीरियड में वक्त थम जाता है, कैसे इंग्लिश के पीरियड में वक्त थम जाता है। मेरी टीचर मुझे इंग्लिश में सबसे अच्छा रीडर मानती थी, वो कहती थी सबसे अच्छा रीडिंग रवि करता है। उसे उन्हें ये शायद मालूम नहीं था, जो शब्द नहीं आते थे मैं उसको छोड़कर आगे भाग जाता था। तो मैं सबसे अच्छा रीडर था, सबसे अच्छा यदि इंग्लिश कोई पढ़ सकता था तो वो मैं ही था। कि कैसे इंग्लिश के पीरियड में वक्त थम जाता है, ड्राइंग और स्पोर्ट्स के पीरियड शुरू होते ही वक्त का पता नहीं चलता, वक्त खत्म हो जाता है। इसी ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब बतलाया, टाइम और स्पेस के अंदाज को अपने आप में समझाया कि किसी पीरियड में हमको 35 मिनट बहुत भारी लगते हैं और किसी पीरियड में 35 मिनट छट से खत्म हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। एनुअल डे की तैयारी, एनुअल डे की तैयारी छुट्टी के लिए बताऊं कौन सी बीमारी। स्काउट एनसीसी का वो डिसिप्लिन, ट्रैकिंग और कैंप के भूले नहीं भूलते वो दिन। एग्जाम की टेंशन, वो सिलेबस का भूत, एग्जाम की टेंशन, वो सिलेबस का भूत। किताब ऐसे पलटते थे अंतिम मौकों पर, हाँ रोज नहीं पलटते, किताब ऐसे पलटते सोचते कोई चैप्टर न जाए छूट। रिजल्ट के दिन देख पापा को पसीने आ जाते। हमारे जमाने के माता पिता तो वहीं कुटाई शुरू कर देते थे, रिजल्ट के दिन देख पापा को पसीने छूट जाते, बिन सींगों के भी कभी कभी वे यमराज नजर आते। पर देख कर इतने भी बुरे नहीं थे हम लोग, पर देख करके ग्रेड ए प्लस, कितने तोहफे वो खरीद लाते, बहुत याद आते हैं वो वाले दिन। फिर नया साल और नया क्लासरूम, फिर वही मौज, वही मस्ती और दोस्तों की धूम। स्कूल के ये पल यहीं रह जाएंगे। छूट गया एक बार ये स्वर्ग तो लाख रुपए कीमत चुकाने पर भी ना लौट पाएंगे।